अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और टेक्निक से सिप्तैन रिजवी। एक और दिन, एक और प्रोजेक्ट। इस बार हम काम कर रहे हैं, दिस इज़ अ टोयोटा करोला 1982 स्टेशन वैगन, KE70 जिसका चेसिस कोड होता है। ये गाड़ी हमारे पास एक फुल स्केल फैक्ट्री रीसेट सर्विस के लिए आई थी। हम इसकी कुछ फुटेज मिस कर गए, जिसके लिए बेहद माजरत खाएँ, जिसमें हमारा मेनली मैकेनिकल काम था, जो हमने इसका इंजन रीबिल्ड किया, इंजन बे रिस्टोरेशन। तो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हुए हम बॉडी का मूव ऑन कर गए। इसके प्रीवियस शॉट्स हम आपको जल्द शेयर कराएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें इसके डोर एक्सटीरियर पैनल्स और बाकी चीज़ें बहुत बुरी पोजीशन पे थी, जिसके नाते हमने फैसला किया कि इसके डोर पैनल्स की जो आउटर शीट्स हैं वो रिप्लेस की जाएँ और बाकी हम पैच वर्क करके उसको रिपेयर करें जो डोर फ्रेम है। अभी आपकी स्क्रीन्स पे यही मनाजर सामने है, जिसमें डोर पैनल्स रिप्लेस कर दिए गए हैं। अब रियर व्हील आर्च के ऊपर काम किया जा रहा है। इसके व्हील आर्चेस हमने इंटीरियर से जो है वो चेंज किए हैं। बॉनेट हमने इसका रिप्लेस किया है, फेंडर्स हमने इसके रिप्लेस किए हैं साथ साथ, ताकि हम एक बॉडी को अच्छी फिनिश और स्ट्रीमलाइंड लुक दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम जैसे जैसे ये बाहर से फाइनलाइज होती जा रही है, हम साथ साथ एज़ पर स्टैंडर्ड पैटर्न अब हम कैबिन की डिसमेंटलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हम कैबिन को क्लीन करके अच्छी तरह देख के और हम उसमें से रस्ट रिपेयर और पेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। क्रूशल पार्ट्स हैं छोटे छोटे कैबिन के अंदर, जो कि हमें पीसिंग्स करने पड़ेंगे। ये टिपिकल पार्ट्स होते हैं जहाँ पर रस्ट बिल्डअप हुआ हुआ होता है, और रस्ट को ट्रीट करने का एक ही बेहतरीन तरीका है, जिसमें आप अफेक्टेड एरिया को काट के अच्छी तरह रस्टेड एरिया को काट के रिमूव करके नया पैनल लगाएं। विद दिस हम साथ साथ मूव ऑन कर रहे हैं एक्सटीरियर पेंट वर्क पे। बॉनेट ऑल्दो नया था, लेकिन चूंकि इस पैनल में थोड़े से फ्लॉस थे, तो उसके ऊपर बहुत ही स्लाइट पट्टी वर्क करके ग्राउंड बनाया जा रहा है। और साथ साथ इसी तरह डोर आर्चेस, जो डोर फ्रेम्स होते हैं हमारे, रनिंग बोर्ड्स, इसी तरह इनको भी एक फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, जिस हम इसको पेंट ग्राउंड के लिए तैयार कर रहे हैं गाड़ी को। मीनवाइल अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो भूलिएगा नहीं कि हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट अगर आप करना चाहें, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ना दबाना भूलें। और पाकिस्तान ऑटो टेक्निक्स अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस है कि हम वी मेक श्योर वी वर्क ऑन ऑल हिडन एंड अनकवर्ड स्पॉट्स, जो शायद कभी नज़रों को ना नज़र आए, लेकिन वो गाड़ी की स्ट्रेंथ बनाने के लिए एसेंशियल है। इस वक्त ये एपॉक्सी प्राइमर यूज़ किया जा रहा है, जो कि डोर आर्चेस को, डोर फ्रेम्स को कवर कर रहा है। एपॉक्सी प्राइमर इज़ आल्सो एन एंटी रस्ट एजेंट, जिसके ऊपर बाद में पेंट वर्क किया जाएगा। इस काम के साथ ही साथ सबसे पहले हम कैबिन इनर, क्योंकि कैबिन इज़ अ हार्ड टू रीच स्पॉट, तो उसके जितने कंसील्ड स्पेसेस हैं, कंसील्ड स्पॉट्स रूफ के, रूफ बेल्ट्स के, फ्लोरिंग्स के, एवरीथिंग इज़ बीइंग पेंटेड बिफोर हैंड बिफोर वी मूव इनटू पेंटिंग द एक्चुअल व्हीकल फ्रॉम द आउटसाइड। रियर फेंडर्स, फ्रंट फेंडर्स, चेसिस सब असेंबली, सब चेसिस फ्रेम्स, एवरीथिंग इज एंटी रस्टेड एंड देन टॉप कोटेड विद बॉडी कलर। Thank you.
कैबिन रेडी कंडीशन के साथ हम गाड़ी को आगे लेके मूव ऑन कर रहे हैं। गाड़ी पे अब हम ग्राउंड वर्क कंटिन्यू करेंगे एक्सटीरियर का, ताकि हम गाड़ी को एक्सटीरियर से पेंट के लिए तैयार कर सकते हो। छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट्स, जैसे ये फ्रंट बम्पर शील्ड के एडजस्टमेंट्स, ये अब करेंगे ताकि हमारे बाकी तमाम तर काम कंप्लीट है। ये करने के बाद हम गाड़ी को एक्सटीरियर पेंट के लिए मूव करेंगे। इधर अहम ये कि जो इसकी हमें कंप्लीट सामान है, इंक्लूडिंग द फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प, ब्रैकेट्स, हर चीज़ को अभी हम ड्राई फिट करके हमने चेक कर लिया है, ताकि जब हम पेंट के बाद हमें किसी किस्म का कोई चेंज ना करना पड़े। एंड ऑफ ईयर विद द पेंट, हमारा मास्टर पेंटर मोहम्मद अयाज, वन ऑफ द फाइनेस्ट पेंटर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, इज़ एट इट। अब आप इसकी फाइनल रेडी प्रोडक्ट कुछ लम्हात में आपके स्क्रीन पे होगी। स्टे ट्यून्ड। तो जी, ये हमारा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट है पेंट का। लुक्स फिनोमिनल माशाल्लाह। पट्टी वर्क इज़ वेरी मिनिमल। आप अगर देखेंगे तो कोई ऑरेंज पील का फैक्टर, कोई ऐसा थिकनिंग फैक्टर आपको पूरी बॉडी पे कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। और कैबिन अपहोल्स्ट्री हम कर चुके हैं इसकी, अब साथ साथ फ्लोरिंग आप कैबिन में चेक करें पीछे, लुक्स वेरी नाइस माशाल्लाह। इसके ओरिजिनल सीट्स का इंतखाब किया था हमने फ्रंट और रियर के लिए, और ओरिजिनल डैशबोर्ड का, क्योंकि दिस इज़ अ रीसेट जॉब। K70 स्टेशन वैगन हमारी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इज़ बैक। सबसे पहले आपको इसका टेलियट दिखाता हूँ। खूबसूरती देखें आप इसका, कैबिन अपहोल्स्ट्री में माशाल्लाह। आप टेलगेट की बूट स्पेस चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें, इसका डिमीनर चेक करें। आगे मूव ऑन करते हैं हम सीट्स पे। कैबिन अपहोल्स्ट्री पूरी देखिए इसकी, मैं अगर दरवाज़ा खोल सकूं, इसी तरीके से इसका फ्रंट भी मैं आपको दिखाता हूं। फ्रंट एंड भी देखें, अभी डैशबोर्ड इसका इनकम्प्लीट है, डैशबोर्ड कंप्लीट होना है। लुक्स वेरी नाइस माशाल्लाह। अभी इसकी कुछ और फिटमेंट्स बाकी हैं, वो हो जाएं, सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको और मज़ीद दिखाते हैं।